वेलकम, सब्सक्राइब कर दो गाइस, 500 तक पहुंचना है। तो एपिसोड के शुरू में हम लेंस को एक बड़े से चेस के जैसा रूम में देखते हैं। बॉलर का अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं रीथ मेडल थर्ड लैंग, तुम मुझे डिसअपॉइंट और टाइम बेस तो मेरा मत ही करना। ये सुनते ही लेंस अटैक कर देता है और कहता है, नहीं मैं टाइम बेस नहीं कर रहा हूँ। उसकी ग्रेविटी से रीथ नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो मार्ट में बदल जाता है। ये देख के लेंस शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है, अच्छा तो तुम ग्रेविटेशनल मैजिक कर सकते हो, अब लग रहा है कुछ तो मजा आएगा। फिर रीत कहता है, ठीक है अब मेरी बारी, रेडी हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि उसका बहुत सारे क्लोन लेंस पर अटैक करने लगते हैं। लेंस भी अपना ग्रेविटी मैजिक से सबको दबा तो देता है, उसमें से क्ले निकल के लेंस को भी अटैक करता है। ये देख के लेंस शॉक होता है और कहता है, समझ गया पहले मुझे असली वाले को ढूंढ के उसे ख़त्म करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो लेंस के पीछे आकर उसके पैरों को जमा देता है और फिर उसे कहने लगता है, तुम ग्रेविटेशनल मैजिक कर सकते हो, अच्छे ब्लड लाइन से भी हो, तो फिर तुम उस एडलर डोम में क्या कर रहे हो, यहाँ पे हमारे लैंग डोम में आ जाओ, मेरे अंडर रहोगे, एडलर डोम के सब कुछ तो ट्रैश है। ये सुन के लेंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने अटैक से उसे उठा के दीवार पे फेंक देता है। पर हम फिर भी देखते हैं कि वो भी असली वाला नहीं था, वो भी एक क्ले था। फिर भी रीत उसे कहने लगता है, तुम जिसके साथ घूमोगे तुम्हारा एनवायरनमेंट जैसा होगा, तुम पे वैसे बनोगे, तुम्हें चाहे कितने भी अच्छा मैजिक आता हो या फिर तुम कितने भी अच्छे ब्लैड लाइन से आओ, पर तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। और जितना मुझे पता है तुम जिन लोगों के साथ हो वो लोग तो बिल्कुल अच्छे नहीं है तुम्हारे लिए। ये सुन के लेंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, तुम सेकेंडरी कैटेगरी के, तुमने सही कहा, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए और यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट जितना मुझे पता है तुमसे स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के रीत थोड़ा सा शॉक होता है। उसकी ये बात सुन के लेंस थोड़ा सा सोचने लगता है और उसे पास्ट में उसके पापा और मम्मी की बात याद आता है। वो रीत को बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं, इसीलिए रीत कहने भी लगता है, मैं सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ा, यहाँ पे मैं मिडिल स्कूल से हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों ब्यूरो ऑफ मैजिक में काम करते हैं, मैं वर्दी हूँ। ये सोचते सोचते अपने ऊपर वो कुछ पोशन डालता है और डालते डालते कहता है, इस डोम होने का ये फायदा है कि तुम दूसरों का मैजिक यूज कर सकते हो। ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये लेंस भी दूर से महसूस करता है और वो भी कहता है, उसके मैजिक में अब लगता है बहुत ज्यादा हाइक आ गया है। फिर देखते हैं रीत सेकंड मैजिक यूज करता है। सेकंड मैजिक यूज करके वो एक बहुत बड़े से जाइंट मडी क्रीचर बना देता है। और फिर हमें बताया जाता है डबल लाइनर्स में भी कुछ ऐसे मैजिशियन होते हैं जो सेकंड मैजिक का यूज करना जानते हैं और उन्हीं में से रीत भी एक है। वो चिल्ला के कहने लगता है, मैं वर्दी हूँ। लेंस का मजाक बनाते हुए कहने लगता है, तुम्हारे जैसे लोग जो बेकार लोगों के साथ घूमते हैं वो कभी ऐसे सेकंड मैजिक का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये सुन के लेंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी अपना सेकंड स्पेल द टॉर्चर पोल यूज़ करता है। हम देखते हैं उस बड़े से क्रीचर की चारों तरफ चार बड़े बड़े पोल आता है। ये देखते ही रीत कहता है, मेरा क्रीचर पता नहीं क्या हुआ, वो मूव नहीं कर रहा है। लेंस कहता है, ये जो सारे पोल तुम देख रहे हो ये बहुत ही पावरफुल है, यहाँ तक कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि चारों जो पोल हैं वो अपने अपने डायरेक्शन में ग्रेविटी से खींचते हैं और कुछ ही देर में तुम्हारा जो ये क्रीचर है वो चार टुकड़ों में बिखर जाएगा। हम तभी देखते हैं रीत का इतना बड़ा सा क्रीचर सेकेंड्स के अंदर एकदम चारों तरफ बिखर जाता है। ये देख के रीत का दिल एकदम टूट जाता है और वो मन में ही सोचने लगता है, मेरा सबसे पावरफुल मैजिक इसके सामने कुछ नहीं है, मैं हार गया। फिर उसका भी थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है कि वो कितना टफनेस से गुजरा है बेस्ट बनने के लिए। फिर लेंस कहता है, मैं तुम्हारा बात समझ सकता हूँ, मैं और तुम शायद एक ही पोजीशन से निकले हैं। फिर वो अपने बहन को याद करते हुए कहता है, मेरे बहन ये कहा करती थी, अगर हमें कुछ और करना है जो हमारा मन चाहे, फैमिली के अगेंस्ट जाके भी हमें उसे ट्राई करना ही चाहिए, चाहे हम फेल भी क्यों ना हो जाए। ये सब सुन के रीत थोड़ा सा इमोशनल होता है, पर फिर वो कहता है, स्टूपिड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज़्यादा टफ हो, मुझे तुमने हरा दिया, इसके लिए मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करूँगा, कभी नहीं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मैश अपना सारा ड्रेस खोल के फाइटिंग ड्रेस या फिर वर्कआउट ड्रेस में रेडी होता है लड़ने के लिए। उसके सामने ही खड़ा हुआ है अबिस रेजर। वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं सेकंड फैंग अबिस रेजर हूँ। पर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मैश दौड़ के जाके उसे जोर से किक मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। वो अपने आप को संभाल लेता है और अपना तलवार निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो इंस्टेंटली इतना तेजी से मैश को पार कर देता है, अपने तलवार से उसको अटैक करता है। मैश को पता तक नहीं चलता कि उसके बॉडी से खून निकलने लगता है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ये देख के रेजर कहता है, तुम्हें पता चल गया ना कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते, भूल जाओ,
जितना तो दूर की बात है, तुम्हारा मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जितना भी ट्राई करो तुम उससे जीत नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि रेजर के चारों तरफ बहुत सारे बड़े बड़े एरोज होते हैं, उसके पैरों के नीचे भी एरोज होता है, और वो उन सबको कहता है राइज। और वो उन सारे एरोज से मैश के ऊपर हमला कर देता है, जिससे मैश का बहुत बुरा हालत हो जाता है। उसकी बॉडी से और भी ज्यादा खून निकलने लगता है। ये पहली बार हुआ मैश को किसी ने इतना ज्यादा चोट पहुंचाया। इन दोनों का लड़ाई बहुत ज्यादा घमासान होने वाला है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। ये देख के रेजर फिर से कहता है, देखो तुम उससे लड़ नहीं सकते, ये जानकर भी तुम अगर लड़ना चाहते हो मैं तुम पे कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। इतने में हम मैश को देखते हैं। मैश बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है, तुम जो भी कहो कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी नहीं। ये सुन के रेजर को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहता है, अच्छा तो ठीक है, ये देखो तुम्हारा दोस्त। तभी लेमन को दिखाया जाता है, वो उसे अनकॉन्शियस करके कहीं पे रखा गया है। तभी रेजर फिर से कहता है, इस पर एक ऐसी डिवाइस है, 30 मिनट के अंदर इसका सारा मैजिक सोक लिया जाएगा, परमानेंटली इसका सारा मैजिक गायब हो जाएगा, साथ ही में इसका मार्क्स गायब हो जाएगा। तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना, तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारी तरह मैजिक नहीं कर पाएगा। तो बचाओ अपने दोस्त को अगर बचा सकते हो, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, चलो अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तभी वो अपने सारे स्पीयर सारे एरो को कहता है, एक्सेलराइज स्पीयर्स। और हम देखते हैं उसके चारों तरफ से जितने भी एरोस थे वो सब मैश के बॉडी में आके लगते हैं, और उसके सारे बॉडी से खून निकलने लगता है। मैश की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, ये तो होता ही है। पर तभी हम देखते हैं कि रेजर अपना जो स्वॉर्ड होता है वो मैश के बॉडी के आर पार निकल जाता है, जिससे मैश के मुँह से खून पानी की तरह बहने लगता है। तभी वो मैश से कहने लगता है, तुमसे बातें कर सकते हो, लड़ाई तुमसे नहीं होगा और तुम किसी को बचा भी नहीं सकते। तभी वो अपना स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है, पर उसका स्वॉर्ड नहीं निकलता है। वो ये सोचता भी है, क्या हुआ, मैं मेरा स्वॉर्ड क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिर मैश को दिखाया जाता है, मैश कहता है, तो तुम्हें पकड़ लिया, और तुम्हें क्या लगता है मेरा एप्स कैसा है। ये देख कर रेजर सोचता है, क्या ये अपने एप्स से ये कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि मैश अपना सर से उसके मास्क के ऊपर बहुत ज़ोर से हेड मारता है, जिससे उसका पूरा मास्क बिखर जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले जल्दी जल्दी वीडियो लाने की। इसके बाद मैं मैश और जो रेजर का फाइट स्पेशली वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप लोग 50 लाइक्स का एम कंप्लीट करोगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।